उसमें दोबारा से सॉसेज लगाई जा रही है और फिर उसी तरह से टॉपिंग होगी इसको। अब इसके ऊपर होगी चीज की टॉपिंग। थिकनेस देखें जरा, उफ 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 उफ, ये जरा ट्राई करिए। चीज कॉम्प्रोमाइज है कि आपकी सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल यार, जो आप खुद नहीं पसंद करते वो दूसरे के लिए भी आप बिल्कुल बिल्कुल आपसे सलम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन मेरे भाई बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। एक दफ़ा फिर जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं फास्टर कैफे शाहपुरा रोड। इससे पहले भी इनकी डील्स हम ट्राई कर चुके हैं, इनको वीडियोस बना चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त फूड। इससे पहले हम रैप्स खा चुके हैं इनके, और इनके बर्गर्स वगैरह ट्राई कर चुके हैं, इनकी यारी डील ट्राई कर चुके हैं, जिसको देख के काफ़ी लोगों ने यहाँ का रुख किया। तो जनाब हमें खबर मिली है कि इन्होंने कर दिया पिज़्ज़ा लॉन्च। तो पिज़्ज़ा इनका लॉन्च हो चुका है, तो चलते हैं तो इनका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। ये जनाब हमने फास्टर कैफे में एंट्री ले ली है, और हर बार की तरह माशाल्लाह इनकी जो सफाई का इंतज़ाम है वो आप चेक करें ज़रा। और अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। यार आपने पिज्जा ट्राई किया, मतलब लॉन्च कर दिया, आपने बताया नहीं है। मौका नहीं मिला तो आज आपको ट्राई करते हैं। जबरदस्त हो गया। चलें यार, पिज्जा आप जरा लगवाएं हमारे लिए, और उस वक्त आपसे को बातें करते हैं। जरूर आ जाएं। आप साथ मेरे साथ बैठे हैं, और यार बड़े आजकल वायरल हो रहे हो आप, बड़ी आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या चक्कर है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं यार, कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए। नहीं माशाल्लाह किया जाए, क्वालिटी आपने प्रोवाइड की है। इससे पहले मैं जनाब दो वीडियोस आपकी नजर मैंने की है, रैप्स हमने ट्राई किए, और उससे पहले हमने एक यारी प्लेटर ट्राई किया, जबरदस्त सूट। और उसको आपने वो वीडियोस देखी और आपने यहाँ का रुख किया, बहुत से लोग यहाँ पे आए वीडियो से, ठीक है? तो साथ यार छोटी सी उम्र में मतलब जो आपकी पढ़ने लिखने, अच्छा आप स्टडी कर रहे हो ना? स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो ये जनाब ये स्टडी भी कर रहा है, और इसके साथ ही जनाब ये इतना बड़ा बिजनेस माशाल्लाह स्टार्ट किया है। तो यार बिजनेस कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आजम भाई, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है माशाल्लाह। नहीं आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? यार आजम भाई मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा ही था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। बस मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, और उसमें अल्लाह की रहमत है, बस यही। और एक बात ऐसी होती है कि एक तो आपकी नीयत जो है वो साफ हो, नीयत आपकी नेक हो, और उसके बाद आप जो काम कर रहे हो आप ईमानदारी से करो, ठीक है? तो आपने जो काम किया है, आपने जो फूड प्रोवाइड किया है, आप जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्वालिटी जो है वो मतलब मैं यहाँ से मतलब ऐसे बात ही कर रहा, हवा में बात ही कर रहा, मैं यहाँ से वो फूड ट्राई करके, और अक्सर यहाँ से मैं जनाब फूड ऑर्डर करता हूँ, होम डिलीवरी की सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है, तो फूड जो है वो इनका वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे जो मेन चीज है यार सफाई, क्योंकि आजकल का तो दौर चल रहा है, बीमारियों का दौर चल रहा है, बहुत से जो इस तरह के मामले होते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा रहता। यहाँ पे आपको मैंने आपका किचन भी देखा है माशाल्लाह, लास्ट टाइम मैंने आपका किचन भी दिखाया था, मतलब हर चीज आपकी परफेक्ट है। तो बात ये वही आ जाती है कि जब आप अपने काम के साथ ईमानदारी दिखाते हो तो फिर अल्लाह की मदद करता है। बिल्कुल, खास तौर पे मेरे जो फादर हैं ना, उनको दो चीजों पे वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। उन्होंने मुझे ये दो चीजें कही है कि यार इन दो चीजों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सही। पहली चीज कॉम्प्रोमाइज है कि आपकी सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल यार, जो आप खुद नहीं पसंद करते वो दूसरे के लिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सलम की हदीस भी है कि यार आप तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने भाई के लिए भी वो ना पसंद करो। मुसलमानी का तकाजा ये है, ठीक है? तो उसमें ये चीज है कि सफाई पे एक चीज है कि कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कहा कि यार नहीं करना। बिल्कुल। दूसरी चीज है क्वालिटी पे, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमने यार ये चीज हमने इसके ऊपर प्रेफरेंस रखी है अपनी कि यार क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो मर्जी हो जाए यार हमें कसर आ जाए लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, जब आप सफाई का अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे, तो ये सारी चीजें फिर जब आपके सामने फूड आएगा, वो फूड को आप टेस्ट करोगे तो उसमें आपको नजर आती है, अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल हाल हो जाती है। जी सर। अच्छा आजम भाई, ये लग रहा है हमारा मलाई बोटी पिज्जा। ओके, ठीक है। तो ये लग रहा है मीडियम मीडियम मलाई बोटी लग रहा है, और इसमें सबसे पहले हमारे जो है पिज्जा बेस आ चुकी है, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर आ चुकी है ये मलाई टॉपिंग आ चुकी है, ये हमारी स्पेशल हम तैयार करवा रहे हैं कस्टमाइज तरीके से। ये मोज़रेला चीज है, मोज़रेला चीज आ चुकी है, एडम कंपनी की स्पेशली हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की, ठीक है? ठीक हो गया। उसमें चीज आ गई है स्पेशल, हमारा मलाई बोटी चिकन आ गया चीज,
उसके नीचे जो असल बात जो है मेन जिस वजह से हमारा बहुत पसंद कर रहा है कस्टमर, इसके जो हम बेस में सॉस यूज कर रहे हैं ना मलाई सॉस, अच्छा अच्छा वो हम डिफरेंट यूज, अच्छा आपने इसमें पिज्जा सॉस नहीं लगाई? हम इसमें पिज्जा सॉस यूज कर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट मलाई सॉस टाइप तैयार की हुई है। अच्छा अच्छा, जो आपने अपनी सॉस तैयार की हुई है स्पेशली हमने इसके लिए कस्टमाइज सॉस तैयार की। ठीक है जी, इसके लिए कस्टमाइज सॉस है। आमतौर पर जो पिज्जा में सबसे पहले उसकी डो होती है उसमें एक पिज्जा सॉस लगाई जाती है, उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह की जाती है, तो इनकी जो सॉस है वो स्पेशल है, यानी कि वो फास्टर कैफे की स्पेशल तैयार की जाती है। डिफरेंट हम उत तैयार कर रहे हैं वो स्पेशल। जबरदस्त हो गया जी इनका। अब टेस्ट जो है वो करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कितना फर्क है। ओवन को चलते हैं, ओवन को भी लेके चलते हैं पिज्जे को। तो ये जी कितनी देर में तकरीबन रेडी हो? 7 मिनट में हो जाएगा। 7 मिनट में? 7 मिनट है जनाब, 7 मिनट हम वेट करते हैं। ये जनाब सर ये क्या सरप्राइज किया आपने, ये कोई दूसरा पिज्जा भी अब लगवा रहे हैं? आजम भाई पहले मुझे जेन में नहीं रहा, मैं अच्छा। यार आजम भाई को डोनर तो टेस्ट कराना है, वो थोड़ा पलाव लग रहा है जी, डोनर हमारा। क्या बात है, क्या बात है। ये जी डोनर पिज्जा की जो मेकिंग है फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये जनाब ये लग गई सॉस और ये इसके ऊपर इनकी जो स्पेशल स्पेशल सॉस है, ये फास्टर कैफे की स्पेशल सॉस, बिल्कुल ऐसा ही है, सॉस आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद ये डिफरेंट सॉसेज है, सारों के डिफरेंट टेस्ट है और सारे मिलके ना एक डिफरेंट ही कॉम्बिनेशन बन जाता है, जबरदस्त। ठीक है, तो अब आप ये सॉसेस तो आपने देख ली हैं। अच्छा आप इसमें टॉपिंग्स आएंगी? टॉपिंग्स आएंगी, बड़ी डिफरेंट देख रहे हैं, चेक करें, बड़ी डिफरेंट इसकी मेकिंग है। ये रेडी हो गया डोनर हमारा तैयार हो गया। ये डोनर तैयार है, आप इसमें इसमें ओवन में जाएगा सीधा ओवन में, ठीक हो गया। और हम देख रहे थे हमारे पहले पिज्जे के क्या हालात है, वो पहला पिज्जा भी हमारा बस थोड़ा सा ही रह गया बस तैयार होने के। रेडी हो गया, लुक तो दिखाया, क्या बात है। ये स्पेशल सॉस है, ये इसके ऊपर आ गई हमारी फास्टर स्पेशल सॉस। अच्छा जी, फास्टर स्पेशल सॉस, ठीक है। ये सॉस बड़ी कहते हैं ना मल्टी टास्किंग है, अच्छा। मल्टी टास्किंग है। ये आप बर्गर में भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली पिज्जा में ये बहुत इसका अमेजिंग टेस्ट होता है। चले अभी इसको टेस्ट करेंगे तो फिर ये आपको बताएंगे। ये जनाब आ चुका है, वाह जी वाह। ये जरा इसकी क्लोज लुक आप देखें, आ गई है पिज्जा फ्राइज, पिज्जा फ्राइज एंड मलाई बोटी। तो इसको जनाब अभी टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जनाब आपको बताते हैं। ये जनाब पिज्जा जो है इसका फर्स्ट बाइट जो है वो मैं लेने लगा हूं। ट्राई किया था और आपके काफी अच्छे रिव्यूज रहे थे उसके हवाले से, इनका पिज्जा आपने जरूर ट्राई करना है। अच्छा बात ऐसे है, बहुत से लोग ना यार ये छुरी कांटे रखते हैं पिज्जे के साथ। अच्छा, पिज्जे के साथ जनाब जब भी आपने खाना पिज्जा ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे, ये बात ठीक है। हाँ जी जनाब, छुरी कांटे से भी खाना चाहिए, वो मैं ट्राई करने लगा, वैसे मैं पिज्जा हमेशा हाथ से खाता हूँ। जी साहब ये माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त है, इसके अलावा क्या क्या जो आपकी आइटम्स हैं जो आप समझते हो कि लोगों को पता होनी चाहिए, मतलब आप कहते हो कि यार हमारी ये जो आइटम है ये बहुत अच्छी है। ये क्या हो गया है सुरान? आजम भाई ये आ चुका है हमारे पास डोनर पिज्जा। ये जनाब ये आ गया बम्ब डोनर पिज्जा, बिल्कुल ऐसे है। तो ये चेक करते हैं इसका जरा खा के, वाह ये पीस आप चेक करें यार, ये आप नीचे रखो, ये फुल लोडेड पीस है। अच्छा इसकी आपने ये देखे, इसकी थिकनेस देखे जरा, ओफ 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 ओफ। ये जनाब ये डोनर है, तो ये डोनर जनाब ये देखे, ये थिकनेस चेक करें। अब ये मेरे ये पता नहीं कैसे मैंने इसको खाना है, बिल्कुल
बहुत जबरदस्त यार माशाल्लाह। यार अपनी चीजों का इतना चीज मजा नहीं आता अपनी चीज का, लेकिन चीज खाने का मजा आ रहा है। वैसे सही बात है, ये वही बात आ गई ना कि जो आप अपने लिए पसंद करते हो अगर वही आप दूसरों के लिए पसंद करो तो फिर वो जाहिर आपको खुद भी मजेगा। कौन सी आपकी जो चीज है वो स्पेशल है? अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने हमारी यारी फिल्टर वगैरह टेस्ट किए हुए हैं। हमने तकरीबन 8 मंथ्स काम किया और हमने उसमें चलाया फास्ट फूड हमारा चला, ठीक है सही। उसको कस्टमर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया अल्लाह की रहमत से। मैं नहीं कह रहा लेकिन कस्टमर कहते हैं यार आपके फास्ट फूड यानी अमेजिंग है, ठीक है। फास्ट फूड पे हमने वर्किंग की, उसको हमने स्टार्ट किया, उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई थी वो हम ऐसे ऐसे करते गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अल्लाह की रहमत है बाकी। तो उसके बाद हमने अब सोचा था कि यार पिज्जा स्टार्ट करना है, तो पिज्जा में हम वर्किंग कर रहे थे काफी देर से। मैं काफी हमें कस्टमर्स कह रहे थे कि यार आपका पिज्जा कब लॉन्च होना है। हमने पहले उनको टाइम दिया यार इस महीने, वो 2-3 महीने उस चीज में गुजरे क्योंकि वर्किंग आपकी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मैं भी इनको काफी टाइम से कह रहा था पिज्जा क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, ये मैं भी आपको कहता रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम वर्किंग कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी वर्किंग को अमल हुई है तो ये चीज है। मैं भी जरा टेस्ट कर जनाब, अब ऐसे है कि फास्टर कैफे शाहपुरा रोड, पहले भी आप काफी दफा आ चुके हैं लेकिन इनका पिज्जा ट्राई करने आपने जरूर आना जी। तो मैं लोकेशन में बता देता हूँ, लोकेशन बता दे। फास्टर कैफे लोकेटेड है शाहपुरा रोड पर, सुनहरी बैंक के नियर। सुनहरी बैंक है, सुनहरी बैंक के साथ है हमारी सर स्वीट क्रीम भी है, ठीक है। फिर उसके बाद डोमिनोज की भी हम तकरीबन बिल्कुल सामने ही है, तो शाहपुरा रोड पे काफी यानी आप किसी से पूछ के आ सकते हैं, ठीक है, इजीली पता होगा। डोमिनोज अंदाजा करें डोमिनोज को टक्कर दी हुई है यानी बस अल्हम्दुलिल्लाह किसी से यानी सारे मार्केट में सब लोग हमारे भाई हैं सब जी। साथ अच्छा आजम भाई, एक और स्पेशल ऑफर है वो मुझे बताना याद नहीं रही। अच्छा जी, क्या ऑफर? ये है कि आजम भाई जो भी आपके फॉलोअर्स है ना सब, अगर आपके फॉलोअर्स में से कोई भी फास्टर कैफे का पेज फॉलो करके हमारे पास आते हैं उनको कंप्लीट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेन मेन्यू के कंप्लीट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट होगी। ये तो भाई बहुत बढ़िया ऑफर है, फास्टर कैफे का पेज जो है वो फॉलो करें और आके आप वीडियो का हवाला दें, ठीक है, तो आपको जनाब 10% डिस्काउंट मिलेगा। जबरदस्त हो गया, कंप्लीट ठीक है जनाब। ये फूड वगैरह अपना हम फिनिश करके बाहर जा रहे थे तो साथ ही यार ये क्या डील्स लगाई हुई हैं? अच्छा भाई ये हमारी स्पेशल डील चल रही है, कभी अच्छा लिमिटेड ऑफर है, इसमें स्मॉल पिज्जा एक साथ एक है ना ड्रिंक है, यू कर डील है 590 में। जबरदस्त यार, लोडेड पिज्जा होता है सही क्वांटिटी पिज्जा तो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आज दो मीडियम पिज्जा ऑनलाइन 1850 में 1850 में दो क्वांटिटी हमारी किस तरह की, ठीक है। ये मतलब पिज्जा कस्टमर की चॉइस पे है आजम भाई, हमारी ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम डील में और चीज दे और वैसे और सही, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर चॉइस करेगा हम वो पिज्जा लगा के देंगे उनको, ठीक है। और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारी गारंटी। और ये नीचे वाली ये तो हमारी बड़ी पुरानी डील चल रही है, कस्टमर बहुत इसको लाइक करता है। 399 में आप दो दे रहे हो जिंगर बर्गर दे रहे हो, कौन से बर्गर देते हैं? दो चिकन पैटी बर्गर आ जाते हैं, चिकन पैटी बर्गर प्राइस आ जाते हैं। और इस चिकन पैटी बर्गर में हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हमारी कस्टमाइज सॉस लग रही है। अच्छा कस्टमाइज सॉस लग रही है, तो ये हो रहा है कि टेस्ट कस्टमर बहुत पसंद कर रहा है। जबर हमने स्पेशल डील लगाई है 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक, 4 से 8 के लिए डील है। 399 में 2 चिकन पैटी बर्गर फ्राइज, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और इंशाल्लाह ये वीडियो देख के बहुत से लोग आपके पेज को भी फॉलो करेंगे और आपने उनको 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आजम भाई वो हमारी गारंटी पे इंशाल्लाह आए 10% डिस्काउंट। आजम भाई हमने जो ट्राई किए ना पिज्जा वो हमने ट्राई किए, ये आ जाते हैं हमारे क्लासिक पिज्जा, ठीक है, और ये आ जाते हैं सिग्नेचर पिज्जा। तो आप स्पेशल आपको स्पेशल पिज्जा ट्राई करवाए हैं, तो इसमें आ जाते हैं मलाई बोटी पिज्जा और डोनर हमने ट्राई किए, ठीक है। तो इसमें हमने ट्राई किया मलाई बोटी मीडियम, तो इसकी प्राइस आई थी 150 और ये प्राइस वगैरह हमने मेंशन की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइसेज ऐसी रखी है कि यार पहले कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, हालांकि जो हमारी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्राइसेज में अभी हमने बड़ी डिस्काउंट रखी है, तो बाकी आपके फॉलोअर्स के लिए स्पेशली भी डिस्काउंट है, ठीक है जी। जनाब ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह होपफुली आपको मजा आया होगा और जिस तरह के सीन्स हमने आपको पिज्जा मेकिंग दिखाई और बहुत मजे का फूड आपको दिखाया तो आपने जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो लेके आपके इस पर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।